हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये वाला मेकअप लुक जो आप अभी देख रहे हैं वो वाला करने वाली हूँ। हम एक शादी में जा रहे थे, सो आई थॉट मैं एक मेकअप लुक शूट कर लूँ। सो यस, सबसे पहले मैंने अपना बेयर फेस से स्टार्ट किया था और मैंने क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र अब मैं लगा रही हूँ। पॉन्स का है और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है। उसके बाद मैं मी ऑन की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट स्टिल आज मैंने सोचा कि शादी में जा रहे हैं, थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं, तो लेट्स प्राइम आवर फेस। तो मैंने प्राइमर थोड़ा थोड़ा लगा दिया था और मैं अपने बाल थोड़े पीछे कर रही हूँ क्योंकि मेकअप करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर मेरे बाल आगे आ जाए। नेक्स्ट मैं फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम इन द शेड 128 वार्म न्यूड। सो मैं इसको डॉट डॉट करके अपने अंडर आई, मतलब पूरे फेस पे मैं इसको अप्लाई कर दे रही हूँ, एज यू कैन सी। एंड उसके बाद मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा, मतलब ये पैची ना लगे। एंड मेरा बहुत 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 फेवरेट फाउंडेशन है। एंड उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दे रही हूँ, एज यू कैन सी। एंड गाइज, इस फाउंडेशन की बहुत अच्छी फिनिश आती है, बहुत मैट फिनिश दे देता है ये एंड आपके सारे जितने भी आपके ब्लेमिशेस हैं उसको भी हाइड कर देता है। एंड मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है। अब नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और ये शायद 01 या 02 शेड है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, दोनों ही शेड्स मेरे पास है। एंड ये कंसीलर भी वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है एंड इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम यू गाइस। बहुत बहुत अच्छा कंसीलर है ये एंड बहुत रिकमेंडेशन करती हूँ मैं इसको। सो इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दे रही हूँ और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ही लगाया है मैंने इसको, ज़्यादा नहीं लगाया और बहुत अच्छा कंसीलर है। सो उसके बाद मैं अपना फेसेस कैनेडा का ऑल टाइम प्रो किट यूज़ कर रही हूँ। इसमें ब्लश, हाइलाइटर एंड कॉन्टोर है। उसमें मैं ब्लश शेड लेके अपने चीक्स पे अप्लाई कर दे रही हूँ और ये भी बहुत अच्छा पैलेट है इफ़ यू वांट टू गो फॉर यू नो अफोर्डेबल पैलेट जिसमें आपको हाइलाइटर, ब्लश एंड कॉन्टोर दोनों मिले तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ मुझे इसका ब्लश थोड़ा सा लाइट लगा, मतलब जल्दी वॉश आउट हो जाता है, बट इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं फिटमी की अपना पाउडर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन एंड इसका शेड है 120 एंड ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा मैट फिनिश दे देता है और इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मास्टर क्रोम बाय मेबेलिन एंड बहुत अच्छा हाइलाइटर है, आपने मुझे बहुत बार यूज़ करते हुए देखा होगा, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड शेड आई थिंक ये गोल्डन वाला है, मैं शेड मुझे याद नहीं आ रहा, बट बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। मैं इसको हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा रही हूँ और बहुत प्यारा ग्लो दे देता है। सो मैं यहाँ यूजुअल पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, टिप ऑफ द नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो, चिन एंड दैट्स इट। एंड मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है मतलब ये करने से। नेक्स्ट हेटेड विद लव पैलेट, ये तो पैलेट इतना वर्सेटाइल है कि मुझे और कोई पैलेट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आपको पता ही है मेरा कितना ज़्यादा फेवरेट है। सो इसमें से मैं सबसे पहले अपना सी ग्रीन शेड मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ और इसको अपनी आईलिड पे प्लेस कर दूँगी। सो यू कैन सी द पिगमेंट गाइज, बहुत प्रिटी पिगमेंट है इसका और हाथ से मैंने इसको लगाया है क्योंकि ब्रश से इतना अच्छे से ये पिगमेंट नहीं आता है। एंड स्काई ब्लू कलर का था और मेरे आउटफिट के साथ थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा था, सो फिर मैंने इसको पूरे लिड पे इसको प्लेस कर दिया है। इसके बाद मैं एक ब्रश लेके अपने जितने भी हार्श एजेस है उसको मैं थोड़ा सा स्मूद आउट कर लूँगी। बाकी मैंने कोई भी शेड नहीं लिया है क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि इसके साथ कोई और शेड अच्छा लगेगा और बहुत सटल सा भी था। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ये प्रेस ग्लिटर ले रही हूँ, ये भी गाइस बहुत प्यारा है, अगर आपको लेना है तो ये भी बहुत अफोर्डेबल है एंड बहुत प्रिटी है।
और यू नो मुझे शिमर शिमर बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैंने इसमें थोड़ा सा अप्लाई कर दिया था ताकि थोड़ा सा यू नो शाइनी आइज़ लगे, एंड ग्लिटर ग्लिटर, आई लव ग्लिटर। सो इसके बाद मैं अपना मार्स का मस्कारा लूँगी एंड अपने आई लैशेज़ को कोट करूँगी। ये मैंने श्रेया जैन की वीडियो में देखा था, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, 160 का है। यस नो डाउट ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे देता है लैशेज़ को, बट फॉर मी मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा लैशेज़ को बहुत ज़्यादा क्लॉक कर रहा था, मतलब लैशेज़ अच्छे से वॉल्यूम नहीं हो पा रही थी, मुझे ऐसा लगा। आई डोंट नो, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। सो मुझे ये मस्कारा उतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे मेबलिन का लगता है। सो बस मैं ये एक फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, इसके बाद शायद मैं इसको ट्राई ना करूँ। बट यस वॉल्यूम बहुत अच्छी दे रहा था ये, और आईज़ बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी लैशेज़ को ये मतलब सेपरेट नहीं कर पा रहा था, कहने का मतलब ये है। सो नेक्स्ट मैं अपने लिप्स के लिए नाइका का यहाँ पे लिप शेड यूज़ कर रही हूँ, ये है रेड कलर का लिप शेड और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है, ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, किसी भी मेकअप लुक के साथ बहुत प्यारा लगता है। सो यस ये था मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है, और मैं थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर लेके सब एक्सेस जो है वो पिक कर रही हूँ, जो भी हाइलाइटर या फिर ब्लश जो एक्स्ट्रा लग गया है वो हल्का हल्का पिक कर रही हूँ इसमें से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सटल ही चाह रही थी। उसके बाद मैं अपने बालों का सोच रही थी क्या करूँ। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बालों को कोम करूँगी अच्छे से, एंटैंगल इनको कर दूँगी, एंड मेरे बालों की हालत भाई बहुत ख़राब हो चुकी है आजकल। सो मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्पा एंड ऑल मैं करूँगी DIY करके ही। सो मुझे ज़रूर बताना इफ़ यू वांट टू चेक आउट, इफ़ यू वांट टू सी कि मैं DIY स्पा कैसे करती हूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैं DIY अपना स्पा ज़रूर उसकी एक वीडियो ज़रूर बना लूँगी। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटन कर दिए अपने हेयर्स, एंड उसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा यू नो कर्ल कर्ल कर लेती हूँ। सो मैंने एक कर्लर लेके हल्के से सिर्फ दो स्ट्रीक्स आगे के वो मैंने कर्ल कर लिए, एंड यस बाद मैं अपने ज्वेलरी जो स्काई ब्लू कलर की ज्वेलरी थी वो पहन रही थी। हालांकि मैं गोल्ड का भी पहन सकती थी, बट मुझे आज मन नहीं था गोल्ड का पहनने का। आई थॉट मैं थोड़ा सा इसके साथ कंट्रास्टिंग कुछ कलर पहन लूँ, एंड स्काई ब्लू थोड़ा लुक हो गया था। एंड यस टचअप के लिए एक सिंदूर के साथ मैं इसको फिनिश ऑफ कर रही हूँ, एंड यस दिस इज़ माई फाइनल लुक। इसके बाद मैंने बिंदी लगा ली थी इसके साथ, एंड क्लिप लगा लिया था। सो ये छोटा सा मेरा मेकअप लुक था। एंड दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे, स्काई ब्लू कलर का सूट शरारा जो भी बोल सकते हैं ये था, एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक यू गाइज। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।